कि आपको इतनी बड़ी इंडस्ट्री जिसके अंदर इतनी पावर है, इतनी पोटेंशियल है, जीरो से लोगों को मिलियनेयर क्रिएट कर सकता है, यही एकमात्र इंडस्ट्री है। अगर सही कंपनी मिल गई तो आप इतने जो मिलियनर्स ऑलरेडी बन चुके हैं, आप भी उनमें मिलियनर खड़े हो सकते हो। इतनी पावर है, राइट? जो पैसा कोई नौकरी नहीं दे सकता, जो पैसा कोई ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं दे सकता है, वो पैसा जो आप सपनों में नहीं सोच सकते हो, वो पैसा आपको ये इंडस्ट्री दे सकता है। क्योंकि पैसे से ही तो सब कुछ है ना। पैसा आएगा तो हम एक-एक करके हम अपने सपने पूरे करते चले जाएंगे। मैं आपको ये बात आपने करीमुद्दीन सर से भी सुनी होगी, समीना मैम से भी सुनी होगी, आपने बहुत सारे लीडर्स को से भी सुना होगा, दैट दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट, राइट? आपको आत्मनिर्भर बना रहा है, सेल्फ रिलायंट बना रहा है, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर रहा है ये सिस्टम, राइट? सो आपका वाई बहुत क्लियर होना चाहिए। आप अगर इस बिजनेस में आए हो तो आपको सबसे पहले अपने वाई को क्लियर करना है। मैं क्यों आई हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरा आने का कारण क्या है, मैं क्या पाना चाहता हूँ, क्या मैं ढूंढ रहा हूँ, क्या वो सपने मेरे यहाँ से पूरे होंगे? नौकरी कर सकती है, सपने पूरे, वेरी गुड, मांगो ना है नौकरी में काम हाँ करो जी खुश ना होकर के। अगर आपको लगता है नौकरी नहीं दे सकती है या कोई दूसरा बिजनेस नहीं दे सकता है, यहीं से आपके सपने पूरे हो सकते हैं, देन गिव योर नॉट 99% बट 100% इनटू दिस बिजनेस, राइट? आपको पूरा 100% डेडिकेशन के साथ, 100% कमिटमेंट के साथ, 100% फोकस के साथ आप यहाँ पे अगर सीखेंगे, आप यहाँ पे मेहनत करेंगे, आप क्विट नहीं करेंगे, आप पेशेंस रखेंगे, करते चले जाएंगे, सून और लेटर योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। बिकॉज इन नेटवर्क मार्केटिंग नोबडी फेल्स, नोबडी फेल्स, पीपल क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। सो माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज क्लियर योर व्हाई and come with very big reason, not small small reason for pocket money or you know some entertainment here, knowing more people, talking to more people, okay? So maybe you getting bored at home, आप घर में थोड़ा आपको बोरियत लग रही है, आप निकलने का मौका मिल रहा है, no, come with very big reason, okay? Not only to change your own life, but come with a very big reason of changing lives of hundreds and thousands and lakhs of people. Country like India, there are so many people all across, इतने लोग हर जगह पे हैं जो जिनके सपने हैं, जो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई हाथ पड़ा के ये कहने वाला नहीं है कि चिंता मत करो मैं हूं ना, राइट? So, आप लोगों को एक मौका मिल रहा है ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदलने का, बट मौका मिल रहा है टू क्रिएट अ डिफरेंस इन द सोसाइटी, मेक अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ, मेक पीपल हैप्पी। आप लोगों को खुश कर सकते हो, उनके सपने पूरे करने में मदद कर सकते हो, एंड दिस इज सच अ ब्यूटीफुल बिजनेस। करना क्या है, दूसरों को मदद करनी है, दूसरों को सफल बनाना है। जब दूसरे सफल होते हैं ऑटोमेटिकली आप सफल होते हो, राइट? इतना नोबल प्रोफेशन है ये कि मैं आपको क्या बताऊं कि भी आई डू रेस्पेक्ट डॉक्टर्स, आई डू रेस्पेक्ट टीचर्स, बट देन डॉक्टर जब मरीज को ऑपरेट करता है, मरीज जिए मरे फीस छोड़ता है क्या? फीस पूरा लेता है। करीम डोंट माइंड, आई मीन लाइक दिस इज व्हाट यू नो, ये सब हर प्रोफेशन के अंदर है। टीचर बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन बच्चा अगर फेल हो जाता है क्या वो फीस माफ कर देता है? राइट? लेकिन ये इतना ज्यादा नोबल प्रोफेशन है कि आप पहले दूसरों के लिए काम करते हो, पहले आप अपनी एनर्जी डालते हो, अपनी मेहनत डालते हो, अपना टाइम निकालते हो, अपना पैसा निकालते हो, खून पसीना एक करते हो एक व्यक्ति को डेवलप करने के लिए, और वो व्यक्ति अगर डेवलप होता है, आगे बढ़ता है, सक्सेसफुल होता है, तब जाकर के आपके जेब में कुछ पैसा आता है। पहले पैसा किसके जेब में जाएगा? जिस व्यक्ति के साथ आप काम कर रहे हो उसके जेब में पैसा जाएगा, तो ही आपके जेब में पैसा
आएगा। अप्लाई पहले मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है, सब कुछ करता है एक डाउनलाइन को, एक एसोसिएट को सफल बनाने में। सो दिस इज वन बिजनेस विच आई फील इज अ वेरी वेरी नोबल प्रोफेशन, बिकॉज यू नो ऑल द सीनियर्स, यू आर ऑल्सो, आप लोग भी सीनियर हो, किसी न किसी के सीनियर हो, लेकिन आप सबको पता है दूसरों को सफल बनाओगे तो ही आप सफल होगे। तो कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है बताओ। आप अकेले दूसरे जॉब में सैलरी बढ़ गई, प्रमोशन हो गया, यू नो यू आर वेरी हैप्पी, योर फैमिली इज वेरी हैप्पी, बट इज अदर पीपल आर दे हैप्पी? नो, दे बिकम जेलस ऑफ यू, राइट? एंड एनी अदर ट्रेडिशनल बिजनेस, ओके, यू मे बी डूइंग वेरी वेल, आपने बिजनेस खड़ा करा, बड़ा किया, राइट, पैसा कमा रहे हो, आप और आपके परिवार के लोग खुश हैं, आपने कितने लोगों की जिंदगी बदली बताओ नौकरी में? नौकरी में लोग जिंदगी बदलते हैं दूसरों लोगों की? No, नहीं ना, ट्रेडिशनल बिजनेस में लोग जिंदगी बदलते हैं दूसरों की? No. वो सिर्फ अपना सोचते हैं, और अगर कोई कॉम्पिटिटर आ भी गया तो दिमाग चलता है कि उसकी जड़ें कैसे काटेंगे, वो हमारे से आगे कैसे बढ़ेगा, हम बढ़ने नहीं देंगे। सो ऑल दिस अनहेल्दी थिंग्स, यू नो, वो सब कुछ होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में, या पॉलिटिक्स होता है नौकरी में, गलत तो नहीं बोल रही, राइट? लेकिन इस बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं, लोगों को एनकरेज करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, ट्रेन करते हैं, मोटिवेट करते हैं, हाथ बढ़ा करके, मेहनत करके, उनके साथ मिल करके उनको सफल बनाते हैं। सच अ ब्यूटीफुल बिजनेस, wherever you go you get so much of love, so much of respect. Why? Because somewhere you all the you know great leaders sitting here, kahin na kahin aapne contribute kara hai unke life mein, unko madad kari hai grow karne ke liye, right? So that is why there is a very good connect, bonding, a family relation, you know. So ye naukri pe nahi hota hai, ये ट्रेडिशनल बिजनेस में भी नहीं होता है, ये होता है तो एकमात्र इंडस्ट्री के अंदर होता है, वो हेड एंड एक्सलिंग, वो भी एक बेहतरीन कंपनी के साथ काम करोगे तो इट्स लाइक यू नो ब्यूटीफुल वर्ल्ड, यू नो यू मीट सो मेनी पीपल, विजिट सो मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस, यू ट्रैवल अ लॉट, यू नो यू आर यू नो ऑल द टाइम योर इन योर माइंड, आपके दिमाग में क्या चलता है, और नए लोगों को, और नए लोगों को, और नई जगह में हम जाए और लोगों को बताएं कैसे वो जिंदगी बदल सकते हैं, बस ये तो करना है, सीखना है, सिखाना है, राइट? सो आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव सच वंडरफुल पीपल लाइक यू इन माय नेटवर्क, सो आई प्रे टू गॉड दैट ऑल ऑफ यू सक्सीड एंड कीप ऑन ग्रोइंग एंड कीप स्टेइंग ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।